नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा अर्जुन के पुत्र घटोत्कच की मृत्यु से क्यों प्रसन्न थे भगवान श्री कृष्ण, जबकि घटोत्कच अर्जुन का पुत्र था और भगवान श्री कृष्ण का सहायक था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उसकी मृत्यु से प्रसन्न थे। इसका कारण क्या था दोस्तों, ये मैं आज आपको बताऊंगा। पर इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों, आइए जानते हैं इस रोचक तथ्य के बारे में। दोस्तों, जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो पांडव की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बात से प्रसन्न थे। दोस्तों, जब अर्जुन ने इसका कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारे वध के लिए बचा के रखी थी, लेकिन अब वह शक्ति उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने के कारण ही मैंने अब तक इसका वध नहीं किया था। दोस्तों, यही एक कारण था जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच के मृत्यु से प्रसन्न थे। दोस्तों, अगर आपको ये रोचक तथ्य, ये पौराणिक कथा अच्छी लगी है तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं राहुल जी के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।